नकीब इजलास मुंबई इखलास हजरत सैयद सुहेल साहब क़िबला क़द्री मद्दाह रसूल औलाद रसूल सैयद अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला सदर इजलास मुंबई इखलास हजरत क़ारी अब्दुल सुभान साहब क़िबला हजरत मौलाना साजिद साहब क़िबला हजरत बुखारी पीर मोहम्मद साहब क़िबला दिगर बावकार मिंबरों मेहराब के वारिसीन सामईन सामियात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल फातिहा इला हजरत रूहिन नबील करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम। وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بزي سلمي مزجة دم عن جرام مقلة بالدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والال والصحابه ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء او كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ شرف کا کرم سیدی مختار شرف باصفا کے واسطے اے شرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے پسترازی کلیدی کرم کشا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریبا یک نگاہ پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا غوث پاک ایک نظرداری پر حال ما پریشان غوث پاک لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے توی خود سازو سامانم مغسنی یا رسول اللہ شاہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عسیانم مغسنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان اللہ تنہر شاہا بہر عزین خانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی
आइए इस मुबारक और मसरूद महफिल में कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ के तरीके के मुताबिक बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम में जी लगा कर दुरूद पाक की सदाए दिल नवाज बुलंद फरमाएं। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीअल अहवाली वल आफात व तफ़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअस सय्यिआत व तरफ़ऊना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अफ़ज़ल ग़ायात मिन जमीअल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दावात व अंता अला कुल्ली शैइन क़दीर। एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन, एक तरफ आदाए दीन एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा मीन्स नेक हो नामे रजा मीन्स अच्छा हो जाए नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते 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 नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। बड़ा मेरा नंबर है, तुम्हारी तकरीर हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूल करीम का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें और आपको इस महफिल में बैठने की सआदत अता फरमाई। ये मेरी कम नसीबी कि मैं इस महफिल में बड़ी ताखीर से पहुंचा, मगर क्या करूं, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। मेरी भी चाहत तेरी ना ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूं, मगर दारुल मिसाकिया के सदर गेट के सामने जिसने आला हजरत में शेर राजस्थान के खिताब में भी थोड़ी देर बैठना था, फिर महबूब उलमा ने कुछ मखसूस उलमा ने आला हजरत अली रहमा की फातिहा खानी के लिए एक महफिल सजाई थी, वो बेचारे वो भी एक घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल घूमता फिरता गिरता पड़ता मैं आप तक पहुँच गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आने के बाद शहजाद गाने मौला अली से मौला कायनात की मनकबत भी सुनी और इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की मनकबत भी हमने और आपने समाअत फरमाई। बहुत ठंडी के साथ आप सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आपको ईमान की गर्मी अता फरमाए। सर्दी तो अब शुरू हुई है, जम आप पहले ही गए हैं, खैर मैं फ़कत ही दुआ करूँगा अल्लाह पाक आला हज़रत के इश्क की गर्मी आपको हमको नसीब फरमाए। आला हज़रत कहते हैं, अभी शेर सुना आपने क़ारी अब्दुस्सुबहान साहब से, ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते। इश्क रिसालत का ये सदका है कि वो ऐसा इश्क है जो जहन्नम की आज़ादी का सबब बन जाता है। इसी पे गुफ्तगू कर ली जाए, मुझे तकरीर करनी तो आती नहीं है, जहाँ से गाड़ी शुरू होती है बस वहीं से बात शुरू होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूल करीम ने हमें और आपको इस दुनिया फ़ानी में भेजा है, नफ्स अता किया है, फरिश्तों के पास नफ्स नहीं है इसलिए वो मासूम है, हमारे पास नफ्स है इसलिए हम मासूम नहीं हैं। फरिश्ते नफ्स ना रखकर, यानी उनके दिल में बुरी ख्वाहिशात आती ही नहीं है इसीलिए वो जनाबे वाला गुनाह की तरफ जाते ही नहीं है, मगर वो बंदा जो नफ्स रख के भी अपने नफ्स को अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मार देता है, फिर जनाबे वाला उसका मकाम ये होता है कि फरिश्ते उसको सलामी देने के लिए आसमान से तशरीफ लाते हैं। बल्कि जनाबे वाला मैं क्या बात करूं, हदीस शरीफ में तो यहाँ तक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता है, हुजूर फरमाते अल्लाह ताला उसकी कब्र को ऐसा बनाता है कि फरिश्ते उसकी कब्र की ज्यारत
ज़ियारत को आते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम ने हमें और आपको नफ्स अता किया, इंसान बनाया और फिर उसके बाद अक्ल दे दी कि अब इंसान को जिधर जाना है उधर जाए। ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। जिधर इंसान को अपनी राय इख्तियार करनी है वो अपनी राय इख्तियार कर ले। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। अब जब इंसान के पास नफ्स आया तो उसने अपनी निगाहों पर अगर कंट्रोल रखा तो वक्त का बायजीद बुस्तामी बन गया, और अगर उसकी निगाहें जनाबे वाला बहक गईं तो यकीनन उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। अल अमानु वल हफीज, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी और आखिरत को महफूज फरमाए, ऐसी ऐसी हिफाजत फरमाई। सुल्तान बायजीद बुस्तामी, नाम तैफूर इब्न ईसा, सिलसिला तैफूरिया के बानी, इमाम जाफर सादिक के मुरीद और खलीफा, सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार के पीर और मुर्शिद हजरत सरकार बायजीद बुस्तामी हैं। लोगों ने कहा नौजवान बहक रहे हैं, उनकी इज्जतें खत्म हो रही हैं, एक फाहिशा औरत आ गई है, जिस्म फरोशी का कारोबार करती है, अपना कोठा उसने खोल लिया है, हुजूर अपने जवानों को बचाने की कोई तरकीब फरमाए। तो वो मर्द कलंदर अपनी खानकाह से निकलकर अपना जानमाज लेकर कोठे के नीचे बिछाता है। कैसे लोग थे जिनको अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं था, फकत अपने आप पर कंट्रोल नहीं था बल्कि अपनी जात पर इतना एतमाद था और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह की जात पर इतना यकीन कामिल था कि हम जिस्म फरोश औरतों के बंगलों के नीचे भी अगर मुसल्ले बिछा दें तो कुदरत उन मुसल्ले वालों के सदके उन जिस्म बेचने वालियों को भी वलिया बना दे। बायजीद बुस्तामी का किस्सा, जानमाज बिछा दिया। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूँ, बात चली कि निगाह झुका ले तो क्या क्या मिल जाता है। इश्क इंसान के दिल में, इंसान को नफ्स दिया गया मगर इश्क करने के लिए फकत मुस्तफा से कहा गया। बात समझ आ रही है आपको? अगर कोई जात है जो यहाँ भी वफा करे, वहां भी वफा करे, कब्र में भी वफा करे, हश्र में भी वफा करे, तो वो जात आमिना के राज दुलारे की जात है। हुजूर अलैहिस्सलाम से वफा करने की कोशिश करें, इसलिए कि जब हुजूर से आप वफा करेंगे तो कहेंगे कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जिन लोगों ने हुजूर से वफा की है आइए उनकी तस्वीरें देख लेते हैं, उनकी जिंदगी पढ़ लेते हैं। बायजीद बुस्तामी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा। लोगों ने कहा जवानों को बचाएं, आप जाएं, जा नमाज उठाया, जाके बिछा दिया। सुबह से लेकर शाम, शाम से सुबह हो गई, उस खातून की चौखट पर कोई नहीं आया। उसने अपनी खिड़की, अपनी घर की खिड़की को खोला, झरोके से देखा कि एक बुजुर्ग हैं, जा नमाज बिछा हुआ अल्लाह की इबादत में लगे। चिल्ला के कहा तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली अल्लाह की जमीन में से, तुम मेरा रिस्क खराब करने के लिए चले आए। बायजीद ने नमाज पढ़ने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, कोठे पर चले गए और जाने के बाद पूछा कि तेरी एक रात की कीमत क्या? उसने कहा ये कीमत तो अपनी पकड़, मगर जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो पैसे कमाने से मतलब है, कोई अपनी इज्जत अपने शौक से नहीं बेचता, मजबूरियां इंसान को इस दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अलबत्ता ये रास्ता गलत है, कभी इस रास्ते पर जाने की कोई तस्वीर नहीं कर सकता। मेरे पास चार पांच दिन पहले किसी एक समझदार शख्स का मैसेज आया था और उसने बड़े दर्द और कर्ब के अंदाज में कहा था, हजरत लोग लोन ले लेते हैं और खुसूस औरतें लोन ले लेती हैं, हमारे जोधपुर का ये सामूहिक लोन पता नहीं क्या सिस्टम चल गया, लोग लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद जब उनके कर्जे अदा नहीं होते फिर औरतें जिस्म फरोशी के धंधे में माजल्ला डूब जाते हैं। हमारे माशरे के हाल हो गए। आप याद रखें, आप गए, आप कहते हैं ये नहीं होता वो नहीं होता, जहां बेरोजगारी है आज चंद परसेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो अक्सर लोग सट्टे के, आईपीएल के और हराम कारी के और हरामखोरी के शिकार हो गए। आप याद रखें हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं सूद खाने के, हराम माल खाने के 70 दर्जे हैं और 70ों में से सबसे निचली सीढ़ी ये है कि कोई अपनी मां से जिना करे। नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो कौम इतनी बदतरीन हो जाए वो मोदी जी से उम्मीद वफा रखे, जिस कौम का जमीर इतना मिट जाए कि वो ऐसे ख्यालात और ऐसे तस्वुरात को जन्म दें और फिर चंद रोटियों के लिए और झूठी शान और झूठी इज्जत के लिए वो हुजूर की शरीयत को पीठ के पीछे डालकर हराम खोरी करने लग जाए। अल अयाज़ु बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये एक ऐसा मर्ज है जो ना दुनिया में इज्जत रहने देगा, ना कब्र को ठंडा होने देगा और हश्र के मैदान में जहन्नम में झुलसा दिए जाओगे। अल अयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह में
जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे। अर्ज ये कर रहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूहुल करीम के उस पाक बंदे ने अपना जानमाज बिछाया, कहा ये रिस्क ले लो, ये पैसे तुम तुम्हारे ले लो, जो मैं कहूंगा करना। गुस्ल करवाया उसको, कहा जाओ नहा के आओ। वो खातून नहा के आती है, नहा के आने के बाद सरकार बायजीद बुस्तामी आगे खड़े हो गए, कहा मैं जैसा करता हूँ वैसी करती रहे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने तकबीर तहरीमा कही, उस औरत ने भी तकबीर कही। बायजीद बुस्तामी ने नमाज के लिए जनाबे वाला मुसल्ला बिछाकर नमाज में रुकू किया, उस खातून ने भी रुकू किया। बायजीद ने सजदे में सर रखा, उसने भी सजदे में सर रखा, या बायजीद ने नमाज नहीं पढ़वाई बल्कि डायरेक्ट सजदे में सर रखा और कहा जैसे मैं सर रखता हूँ वैसे तू भी सर रख दे। उस जिस्म बेचने वाली औरत ने भी अपने सर को जब सजदे में रखा, बायजीद बेख्तियार रो पड़े और बुस्ताम का ये शहंशाह कहता है ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे दीन की हिफाजत के लिए तेरा बंदा अपनी खानकाह से निकलकर किसी के कोठे तक आया है, अगर आज इसका किरदार सही नहीं हुआ तो कल लोग मुझे भी जानी कह देंगे, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है, या तो बायजीद को बदनाम कर दे या फिर सजदे से सर उठाने से पहले इसको मौला अली के नाम का सदका दे दे। बायजीद के जुमले निकल रहे थे, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी थी, बायजीद रोते हैं, अर्श आजम लरजता है, कुदरत कहती बायजीद मांगना तेरा काम था, देना हमारा काम है, लाना झुकाना तेरा काम था, सजदों में अता करना मेरा काम है। मुअर्रिख लिखता है कि सजदा करते वक्त तो वो इलाके की सबसे गंदी औरत थी, मगर जब उसने सर सजदे से उठाया है तो विलायत उस औरत पर नाज करती हुई नजर आ रहा। ये इश्क है, इश्क किससे? इश्क मदीने की सरकार से इश्क। जब मदीने वाले से इश्क होता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज आधी नंगी ईसाई लड़कियों के सामने से निकल जाती है और एक ईसाई लड़की पीछे से चीख कर कहे जवानों हमारे हुस्न की बेहुर्मती तो ना करो, बदनामी बदकलामी बदकिरदारी नहीं करते तो कम से कम हमें देख भी तो लो। अय्यूबी की फौज के मर्द कलंदर ने कहा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जो हुजूर से इश्क करते हैं वो इस तरह फिर अपनी जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम को याद में किस किस की बात करूं। जिंदगी भरी पड़ी है वलियों की, उन्होंने अपनी निगाहों से अगर किसी को देखा है तो नहीं देखा तो कहते रहे उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, और देखा तो फकत देखा नहीं महबूब को अपनी आंखों में उतार लिया। ये दिल तड़प के कहीं आंख में न आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा उतारा उस मजार वाले को आंखों में कि जब कब्र में पहुंचे और फरिश्ते ने कहा मा कुंत तकूल फी हक हाजर रजुल, इस मर्द कामिल के बारे में क्या कहते थे, तो जवाब आया आला हजरत के बेटे का फरिश्ता पूछते क्या हो किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाहें जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में झुकती हैं तो कुदरत यूं नवाजती है। नौजवान टोकरियां बेचता था, गली गली जाता था, शहजादी की खादिमा ने उसको पकड़ लिया, शहजादी के पास ले गई, उसने सोचा शायद मेरा माल खरीदा जाएगा, उसने कहा कि जो कुछ खरीदना है जल्दी खरीदो। उसकी निगाह में हया थी मगर उस औरत पर शैतान सवार था। बादशाह की बेटी है, राजकुमारी है, उसने कहा मुझे कुछ खरीदना नहीं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना है।
उसने निगाहें झुका के कहा मुझे मेरे मुस्तफा देखते हैं, मेरा अल्लाह मुझे देखता है, मैं ऐसा काम तो नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, इख्तिसार के साथ सुनाता हूँ। उसने भागने के बड़े बहाने किए, उसने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उस नौजवान को कहीं पार न मिली। तो उसने कहा ठीक है, जरा सा रुक जाओ, मुझे वजू करने का मौका दे दो कि मैं वजू कर लेता हूँ। उस शहजादी ने कहा देख, अगर बदमाशी ज्यादा करेगा तो मैं बादशाह से इल्जाम लगा दूंगी कि ये मेरे महल में आया मुझसे बदफेली करने के लिए, और फिर बादशाह तुझे फांसी के तख्ते पर लटका देगा। मैं राजकुमारी हूँ, तुझे पता है। अल्लाह गनी, उसने कहा ठीक है, जो तू कहेगी मैं कोशिश करूंगा, मगर मुझे वजू कर लेने दो। अल्लाह अकबर, वजू करने की इजाजत मांगी गई। शहजादी ने अपनी खादिमा से कहा वजू कराने के लिए कमरे से बाहर ले जाओगी तो ये भाग जाएगा, इसलिए तुम इसको छत के ऊपर ले जाओ ताकि छत से भाग नहीं पाए। मेरी कौम के नौजवानों, अपनी निगाहों में हुजूर को बसाओ यार, इसलिए कि जिसकी निगाहों में हुजूर बसते हैं, जिसके दिल में हुजूर बसते हैं, फिर जनाबे वाला जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत करता है, फिर उसके लिए दुनिया का कोई गम भी असर नहीं करता। बेशक बेशक, कोई भी गम दुनिया का उसके कल्ब पर, उसके दिल पे असर नहीं कर। आज हम सोचते हैं यार फलां की इतनी मुखालिफत होती है, उस पर कोई हर्फ क्यों नहीं आता, फलां के खिलाफ इतने फतवे आए तो क्यों उसका दिल दरसता नहीं, क्या है, क्या वजह है? तो जवाब आएगा, जिसका दिल इत्मीनान में हो, जिसके दिल में हुजूर बसते हों, जिसके दिल में हुजूर से सच्ची मोहब्बत हो, फिर उसे ये नहीं दिखता कि साथ यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। उसे तो फकत ये देखना है कि मेरे मुस्तफ़ा किस में राजी हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसे सच्ची मोहब्बत इंसान करने लग जाए, तो फिर ये दुनिया का कर्जा, ये बेरोजगारी, ये रिस्क की किल्लत, ये बड़ों को देखकर अपने कपड़ों पर जो है वो अपने कपड़ों को नीची निगाह से देखना, और फिर जनाबे वाला सेठों को देखकर हसरतें करना, या बड़े लोगों की बड़ी गाड़ियां देखकर तमन्नाएं करना, ये सारे रंज, ये सारे गम इंसान के दिल से निकल जाते। ये फकत मैं नहीं कहता, आला हजरत भी बोले उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, लेकिन जब हुजूर याद है, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। हुजूर को याद करके आदमी गमे दुनिया को भूल जाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए अर्ज कर रहा था, उस नौजवान ने हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की थी, छत पे पहुंचा, वजू किया, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा मेरे अल्लाह तू जानता है अब मेरा दामन दागदार होने से कोई बचा नहीं सकता, अब मेरी रूह पर कलंक लगने वाला है, अब मेरे कदम को बहकाने की पुरजोर कोशिश की जा रही, एक तरफ मेरी जान का खतरा है, दूसरी तरफ मेरी इज्जत का खतरा है, मगर मैं जान देना तो गवारा कर सकता हूँ, तेरी शरीयत की मुखालिफत गवारा नहीं। आपको मालूम उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और छत से कूद गया। छत इतनी ऊंची थी कि आदमी कोई भी कूदेगा तो मर जाएगा, मगर उसने कहा मुझे खुदकुशी तो नहीं करनी है, मगर अपने दामन को जरूर बचाना है गुनाह से। छुप छुप कर गुनाहों की आदतें रखने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह जल्ला मजदूल करीम से खौफ करना चाहिए। देखें उसके पास सारे हालात मौजूद हैं, मजबूरी अपनी हद तक पहुंच चुकी है, मगर उसके बावजूद हाल ये है जान दे दूंगा जिना नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और छत से कूद गया अपनी हिफाजत की। आप हैरत करेंगे, इधर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के जुजू करके बिस्मिल्लाह पढ़ी और छत से कूदा। जो मलिका की खादिमा थी वो सोचने लगी कि इसके कत्ल का इल्जाम तो हमारे सर पे आएगा, इसने तो आत्महत्या कर ली, इसने तो खुदकशी कर ली। मगर जैसे ही वो छत से कूदा और अपने मौला को याद करके कूदा, तेरे महबूब ने कहा था जिना मत करना, तूने कहा था जिना मत करना, मैंने अपने दामन को बचाने के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है, अब तू जाने, तेरा बंदा जाने। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जब वो कूदा, कुदरत ने कहा फरिश्ता अब इस इंसान की इस हिफाजत के लिए मेरे मखलूक को अल्लाह फरमाता फरिश्ता जाओ, इससे पहले कि वो जमीन पे आए उसके दोनों बाजुओं को पकड़ के इज्जत के साथ उसे जमीन पे लाओ। ये जान की हिफाजत, इज्जत के साथ उसे जमीन पे लाओ, फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए आए।
और जब जमीन पे पहुंचा तो खड़ा था। किसी ने इबलीस से कहा, यार तूने बचाया क्यों नहीं, तूने मारा क्यों नहीं? उसने कहा, जो गुनाह से बचने के लिए, इबलीस से पूछा गया तेरी बहकावे में ये क्यों नहीं आया, कहा जो गुनाह से बचने के लिए अपनी जान अपने नफ्स को दांव पे लगा दे फिर मैं इबलीस उसको गुमराह कैसे कर सकता हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद भी क्या लेवल था उस बंदे का, जान बच गई, लाखों पाए, ये नहीं कि बस लौट के बुद्धू घर को आए। उन्होंने अर्ज किया, ए बारी ताला, क्या लोग थे देखे आप, क्या लोग थे। अर्ज किया, बारी ताला, मैं गली गली फिर की टोकरियां बेचता हूं, अगर तू चाहे तो मुझे इस काम से निजात दिलाकर कहीं से भी रिस्क अता फरमा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दुआ कबूल की, उसको एक सोने से भरा हुआ थैला मिला। कहा निकाल ले इसको जितना निकालना। उसने निकाल के कितना दिल अशश कर डाला, इस वक्त काश हमें भी मिल जाता। निकाला और निकाल के जनाबी वाला उसको एक थैली में रखा, अपनी जो उसकी थैली थी छोटी सी थैली में रखा, मगर उसको ख्याल आया, क्या लोग थे। जैसे ही ख्याल आया, ख्याल आने के बाद उसने कहा, ए अल्लाह, ये जो बदला है, ये मैंने जो अमल किया है उसका आखिरत के बदले में से तो नहीं है, ये दुनियावी बदला है या आखिरत के बदले में से दिया गया। कुदरत ने आवाज दी, जो तुझे आखिरत में बदला दिया जाना है उसका 25वां हिस्सा हम तुझे दे रहे हैं। कितना? 25वां, 1/4 हो गया, 25वां, चौथा हिस्सा हम तुझे दे रहे हैं। हैरत तो ये ना, आज का माहौल तो ये कि अल्लाह जो कुछ मुकद्दर में वो अभी दे दे ताकि मैं अभी अमीर हो जाऊं। हालात तो ये ना कि आखिरत में मिले ना मिले कम से कम यहां सेट हो जाए। लोगों ने तो फिक्र ये बना दी ना, ये 60 साल 70 साल की जिंदगी है, इससे गुजरे बाद में भले ही जहन्नम में जाए, ये सोच बना दी लोगों ने। मगर क्या नौजवान थे देखें आप, क्या नौजवान थे। कुदरत ने कहा 25वां हिस्सा है और 75% बाकी है जो तुझे कयामत के मैदान में जन्नत में दिया जाएगा। उसने थैली खारी साहब वहीं छोड़ दी, कहा मौला ये हिस्सा आखिरत में से मुझे कुछ नहीं लेना है, यहां की जिंदगी तो मैं भूखे रह के गुजार लूंगा, मैं टोकरियां बेच के गुजार लूंगा, मैं इधर उधर वक्त खर्च करके हलाल कमा के मैं यहाँ की जिंदगी तो भूखे रह के भी गुजार लूंगा, मगर आखिरत के माल से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कुदरत ने फिर वो थैली गायब कर दी और ये बंदा वापस अपने हलाल कमा कर हलाल खाने में लग गया। क्या बात समझ आई, निगाहों की हिफाजत भी, आखिरत का बदला भी, किस तरह लोगों ने अपनी जिंदगियों को गुजारा है। हमने तो ये सोचा कि फॉर्चुनर खरीद ली तो जन्नत की कुंजी मिल गई, किसी ने सोचा कि साहब जनाबे वाला हमारा सब्जी का ठेला है तो हम छोटे हैं, कोई बड़ा हो तो जनाबे वाला शोरूम उसको बनाया जाए। अरे बाबा, हलाल कमाने वाले को हुजूर ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, कमा कर खाने वाला अल्लाह का महबूब होता है। क्या? कमा कर खाने वाला अल्लाह का महबूब होता है। तो अल्लाह की बारगाह में महबूब होने का सोचिए, चुनर के ख्यालात मत रखिए। हाँ हाँ, वो वक्त बता, मेरे पास घड़ी नहीं, ले ली किसी ने, इसीलिए मैं मोबाइल में वक्त देख रहा हूँ। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह पाक जल्ला मुजदहुल करीम ने अगर जनाबे वाला माल दिया तो फबिहा, वगर ना। हजरत शेख मुजद्दिद अल्फेसानी, शेख अहमद सरहिंदी, तो चंद दिन बाद इनका भी उर्स आने वाला है, 29 या 30 तारीख गालिबन 29 या 30 तारीख आपके उर्स किए, अलाज़र से पहले के मुजद्दिद हैं, तशरीफ फरमाएं। एक सब्जी बेचने वाला हजरत शेख मुजद्दिद अल्फेसानी की खिदमत में आया, तवज्जो, मुजद्दिद अल्फेसानी की खिदमत में एक सब्जी फरोश आया। वक्त का मुजद्दिद अल्फेसानी कौन, जिसने अकबर की आंखों में आंखें डालकर दीन इलाही की गर्दन मड़ोल दी थी। कौन सा दीन इलाही? अकबर ने जो दीन नया पेश किया था। अकबर मुगलिया खानदान का बादशाह, पहले तो बहुत इसकी जिंदगी ठीक थी मगर बाद में जो है ये गुमराह हो गया था और इसने कई दीनों का मिक्सचर करके ये भी हमारे के चक्कर में सारा बेड़ा गर्क कर दिया था और इस्लाम के कानून को बर्बाद कर दिया था। आज पुलिस के FIR से डर जाने वाली कौम जरा सा मुजद्दिद अल्फेसानी की तारीख पढ़े, आज तो जमहूरियत है यार, ये
कभी अग्रिम जमानत हो जाती है, कभी बाद की जमानत हो जाती है, जेल में भी हमें फांसी की सजा भी हो जाए तो फिर हाई सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दे तो भी राष्ट्रपति का ऑप्शन बाकी रहता है कि राष्ट्रपति के यहाँ अर्जी लगी है अभी आप फांसी नहीं दे सकते। ये तो जमहूरियत है, मगर जिस वक्त बादशाहत थी और अकबर ने अपना नया दीन पेश किया था उस वक्त उमर फारूक आजम का शहजादा ख्वाजा बाकी बिल्ला की आंखों का तारा सिलसिलाए नक्शबंदिया का मुजद्दिद, मुजद्दिदे शरीयत भी है, मुजद्दिदे तरीकत भी है, नक्शबंदिया सिलसिला मुजद्दिद अल्फ़ेसानी से पहले फकत नक्शबंदिया है, मगर मुजद्दिद अल्फ़ेसानी के बाद मुजद्दिदिया नक्शबंदिया है, जिसने सिलसिलाए नक्शबंदिया को नई तवानाई अता की, जिसने अकबर के दीन इलाही को मरण के अकबर के सामने पेश करके कहा और सुन हम मुस्तफा के दीवाने हैं, जान तो दे सकते हैं मगर शब्बीर के सदके दीने मुस्तफा पर आज नहीं आने देंगे। आखिर बादशाह हार गया, मुस्तफा के दर का फकीर जीत गया। आज अकबर के दीन इलाही की बुराई करने वाले अकबर के खानदान के बेटे मौजूद हैं और मुजद्दिद अल्फ़ेसानी की तारीफ करने के लिए अहले सुन्नत की महफिलें जोर शोर से सजाई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकबर की आंखों बादशाह को कहा सुन तू गलती पर है, अल्लाह अकबर वो मुजद्दिद अल्फ़ेसानी। बहरहाल बात बड़ी लंबी है, हमने तो मुजद्दिद इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी पे गुफ्तगू करनी, बड़ी तेजी से बयान वरना लोग सोचेंगे इन्हें आला हज़रत पे तकरीर करनी नहीं आती, बड़ी तेजी से आ रहा, थोड़ा माहौल बन जाए, मैं आता हूँ बड़ी तेजी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रात भर कहेंगे मैं रात भर आला हज़रत पे बोलता रहूंगा, पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत को। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, सुने मुजद्दिद अल्फ़ेसानी के पास सब्जी बेचने वाला आया, इतना बड़ा मुजद्दिद खड़ा हो गया, एहतराम में खड़ा हो गया, सब्जी वाले के एहतराम में खड़ा हो गया, और सब्जी वाले के एहतराम में मुजद्दिद अल्फ़ेसानी जब खड़े हुए लोगों ने कहा हुज़ूर आप इतने बड़े मुजद्दिद हैं और इसके लिए खड़े हो गए, आपकी रगों में फारूक आजम का खून दौड़ता है अब इसके लिए खड़े हो गए। मुजद्दिद अल्फ़ेसानी ने जवाब दिया ये फकत सब्जी बेचने वाला नहीं है, ये वक्त का कुतुब है जो हलाल कमाने के लिए सब्जियां बेचा कर। गरीब नवाज को क्या लेना देना कि जनाबे वाला खुली जीप किसके पास है और फॉर्चुनर किसके पास है, गरीब नवाज को तो ये लेना देना है कि मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत किसके पास है। पैदल काफिला जाने से ख्वाजा साहब थोड़ी राजी हो जाते हैं, माफ कीजिएगा अगर बात बुरा लगे तो। हाँ आप दूसरे मौलवियों को यजीदी कह लीजिए, यहाँ तो DNA से हुसैनी है, किस किस को यजीदी जिसको कहना कह लो जाओगे। सुने पैदल काफिला जाने से गरीब नवाज राजी नहीं होते, गरीब नवाज सरकार तो राजी होते हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अदा करने और उसके आम करने से। हजरत शेख मुजद्दिद अल्फ़ेसानी जब मेरे सुल्तान गरीब नवाज की चौखट पर जाते थे ना 70,000 बार कलमा शरीफ पढ़ते थे, 70,000 बार। हम तो आप जाते हैं भाग के से आते हैं, जब आए और बस बिस्मिल्लाह, वो तो ठीक है सुल्तान की बारगाह है, बात दूर चली जाएगी, मैं वापस अपनी पतंग की डोर को खींचता हूँ। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहदों तक लेके जाने की कोशिश करता हूँ। बता ये रहा था कि इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। आला हज़रत के शेर पे गुफ्तगू शुरू हुई थी, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे से। आपने उन लोगों के अज़कार को सुना जो लोग इश्क रसूल की वजह से जहन्नम से जलने से छूट गए। अब आप फैसला आप पर है कि मुसीबतों में गिरफ्तार करने वाला इश्क करना है या जहन्नम से आजाद करने वाला इश्क करना है। लाठियां डंडे और गालियां खाने वाला सड़क छाप इश्क करना है या बायजीद बुस्तामी की गुलामी में नाम लिखाने वाला रिसालते पाक से इश्क करना है। आला हज़रत ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। और जिसने हुजूर की इश्क की आग दिल में लगा ली फिर उसकी दुनिया भी कामयाब उसकी आखिरत। इसी इस कलाम के मतले और मकते पर एक बात अर्ज करता चलूं, देखें ये शायरी नहीं करती थी, अपने इश्क रिसालत को बस कागज पर उतार देती थी। मतला क्या है सुनते हैं कि मतला कहते हैं कलाम के पहले शेर को,
सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं का यकीन, ये लफ्ज जब कहते हैं सुनते हैं कैसा है तो आदमी यकीन से नहीं कह रहा है। बात समझ आ रही है? सुना है कि आप ऐसे, तो सुना है मतलब यकीन नहीं है आपको। तवज्जो, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। पहले कहा सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, ठीक है। बाद में ख्याल आया अहमद रजा सुनते, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया तुमने कि सुनते हैं? तुम्हें शक है क्यों इस्तेमाल किया? तो फिर मकते में अपने मतले की क्लियरेशन की। वो जो मतले में कह दिया था सुनते हैं, उसी का जवाब दिया। मतला में शक क्या था? वल्ला रजा वल्ला। वो जो शक का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया सुनते हैं, अब उस शक के लफ्ज का रद्द करते हुए कहते हैं कि उधर शक का इस्तेमाल हुआ था, मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, फकत मुस्तफा ही है जिसकी रसाई कयामत के मैदान पर, मैदान में मुस्तफा जारे रहमत की रसाई अल्लाह रब्बुल इज्जत तक होगी। ये शायरी है। मतले में कहा सुनते हैं, मगर मकते में उसकी तरदीद करते हुए कहा नहीं, वो लफ्ज सही नहीं था, सुनते हैं का इस्तेमाल सही नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये कि अल्लाह की कसम अगर हश्र का मैदान किसी के लिए है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, मुस्तफा जाने रहमत के लिए। वरना हदीस शरीफ है मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस, मिशकात में हदीस है। आप हैरत करोगे मदीना कॉलोनी वालों, और सुनो सरकार मदीना फरमाते, हदीस मिशकात में है, हुजूर मौजूद है, इस हाथ में भी किताब है, इस हाथ में भी किताब है। साहबा ने पूछा हुजूर क्या है? हुजूर ने फरमाया ये जन्नतियों की लिस्ट है, ये जहन्नमियों की लिस्ट। हैरत ये है, हदीस है, जब जन्नती और जहन्नमी की लिस्ट बन चुकी है तो फिर महशर किस लिए? जब इंसान चुन लिया गया तो फिर महशर किस लिए? उस्ताद ज़मन ने कहा फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। महशर इसलिए रखा गया कि जब सभी रसूल कहें इज़हबू इला गैरी तो मेरे हुजूर के लम्बे अनालहा की सदा देखने को मिले। जब जनाबे वाला इब्राहिम खलील जैसा नबी अपनी निगाहे नबूवत को झुका दे, उस वक्त भी आमिना का राज दुलारा झंडा लेकर कहे आज मेरे हाथ में झंडा है, आदम से लेके कयामत तक के जितने हैं सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। आला हजरत बोले उस अतीती है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पेशे हक मुज्जा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, नाथ खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका मनाते जाएंगे। तो हश्र इसलिए रखा गया ताकि दुनिया को बताया जाए कि नेट के कपड़ों पर वक्त गुजारने वालियों का हाल जहन्नम में क्या होता है, और कायनात के मुख्तार की बेटी सय्यदा आबिदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा मुतहिरा जाकिया मुजक्किया आबिदा राकिया साइमा साजिदा आदिला गनिया तकिया सादिका सिद्दीका आफिया अफीफा अलिया अलिया तकिया नकिया सरकार फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तत्हीर का तकद्दुस क्या है, सय्यदा की शान क्या है? दुनिया की औरतें एक तरफ होंगी, सुलेमान की बेटी जिसकी कनीज बनाकर आश्र में अपने आप पर फख्र करेगी और आवाज लगाई जाएगी ऐ महशर वाला अपने सरों को झुका लो, निगाहों को नीचा कर लो, मुस्तफा की बेटी सय्यदा पाक 70,000 कनीजों के साथ जन्नत की तरफ तशरीफ ले जा रहे। सुभान अल्लाह सुभान, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बताना ये होगा कि दुनिया की औरतों की शान और होगी, महशर में दिखाना है ना कि 70 पेमद लगाने वाली फातिमा का स्टेटस क्या है,
सत्रह पेवंद लगाने वाली के पीछे 70,000 कनीजें होंगी। सही हदीस के अल्फाज, 70,000 कनीजें। हशर के मैदान में लोगों के बदन पे कपड़े नहीं होंगे, उलमा से पूछें आप, मगर खौफ का आलम यह होगा कि एक बंदा दूसरे की तरफ देखने का भी वक्त नहीं रखेगा, इतना डर सवार होगा लोगों पर। बगैर कपड़े के हशर में उठाए जाएंगे, मगर लोगों के पास वक्त नहीं कि वो उसको देखे। जब नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटा से, माँ अपनी बेटी से भागती नजर आएगी। दोस्तों को तो छोड़ो, जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो कहेगी मैं नेकी नहीं दे सकती। जिस वक्त नफसी नफसी का आलम होगा, कोई इनसे कहेगा बचा लो, कोई इनसे कहेगा बचा लो, कोई इनसे कहेगा, उसमें जबरदस्त एंट्री सैयदा ज़ाहिरा की होती है। जिस वक्त लोग अपनी जान के लाले पड़े होंगे कि कोई तो हो जो हमें जहन्नम से बचा ले, उस वक्त सुलेमान की बेटी ईसा की मां न जाने किन किन लोगों के साथ सय्यदा तय्यबा ताहिरा शाहाना शान के साथ मैदान हश्र में एंट्री ले रही होंगी। कोई महफिल में आता है तो लोग फख्र से कहते हैं यार इसके अन्नाने का अंदाज हुजूर के गुलामों का, सय्यदा जहरा के गुलामों का क्या है। जब गुलामों की एंट्री की मिसाल रही है तो आदम से लेके कयामत तक के सारे होंगे और सारे देखेंगे। बेटियां सबकी अच्छी है मगर कायनात में कोई दूसरी जहरा नहीं। हश्र इसलिए बनाया गया है ताकि सय्यदा सलामुल्लाह अलैहा की जात की इंपॉर्टेंस समझ में आए। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं, आला हज़रत ने इन्हीं की बारगाह में खिराज पेश करते हुए कहा, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। बात आगे बढ़ कौन है आला हज़रत? फकत शायर नहीं, आला हज़रत शायरी करते हैं तो लखनऊ के अदीब कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा उर्दू अदा मालूम होता है। शायरी करते हैं तो कुरान की आयतें, अल्लाह के रसूल की हदीसें जनाबे वाला उसमें वो जो है वो पाई जाती हैं। मैं आपको शेर पढ़ दूं, आला हज़रत, तबारक अल्लाह वो शान तेरी, तुझी को जेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोशे लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के। दो तीन आयतों का जिक्र इस दो मिसरे में कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ देखें, तवज्जो, दो तीन आयतों का जिक्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात जिसके कब्ज़े कुदरत में बादशाहत है। फरमाया तबारक अल्लाह वो शान तेरी, अल्लाह की हम्द बयान कर दी एक आयत, फिर कहा तुझी को जेबा है बेनियाजी, अल्लाह समद, क्या अल्लाह बेनियाज है, ये दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, तुझी को जेबा है बेनियाज, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तो मेरी तरफ तवज्जो करें, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, यानी अल्लाह जल्ल मजदूल करीम ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने जब हज़रत रसूल पाक अली सलातु व तस्लीम की बात आई तो बात की बात है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये अर्ज़ किया मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तवज्जो है, तो मूसा ने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। फिर हुजूर की शान ये है, उदनु मिन्नी, मुझसे करीब हो जाओ, मुझसे करीब हो जाओ, मुझसे करीब हो जाओ, ये हदीस शरीफ है कि हुजूर जब बारगाहे रब्बे काबा में पहुंचे तो सदा आती थी ऐ महबूब मुझसे और करीब हो जाओ। शायरी इसको कहते, कुरान की आयत तबारक अल्लाह वो शान तेरी, कुरान की आयत अल्लाह समद तुझी को जेबा है बेनियाजी, कुरान की आयत कहीं तो जोशे लन तरानी, हदीस शरीफ भी है, और कहीं तकाजे विसाल की थी, ये भी हदीस शरीफ। दो मिसरे में दो दो तीन तीन कुरानी आयत को पेश कर देना, ये इमाम अहले सुन्नत का काम था। फकत शायरी नहीं, इल्म हदीस बेमिसाल, इल्म फिका बेमिसाल, अदब बेमिसाल, इश्क बेमिसाल, हमा जहद शख्सियत का नाम आला हजरत अली रहमा है। किसी ने कहा 55 उलूम पर महारत थी, किसी ने कहा 108 उलूम पर महारत थी, किसी ने कहा 120 उलूम पर महारत थी, बहरहाल जितने भी उलूम पर महारत थी, अलबत्ता हम तो फकत इतना कहते हैं
हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जैसा उस वक्त में कोई आलिम रब्बानी जो है वो पैदा नहीं किया था। वो जिधर से गुजरते थे लोग उनको सलामी देते हुए नजर आते थे, वो जिधर जहां उनकी तहरीर पहुंच जाती थी लोग उसको पढ़ के कहते यार आपको मालूम है ये नोट है ना, नोट ये नोट देख रहा आपको, आप तो ऐसा अनजाना इजहार कर रहे हैं जैसे आप जानते ही नहीं ये नोट को, सारे के सारे कलंदर हैं फकीरी इख्तियार की हुई उन्होंने, भाई नोट समझते ना, नोट से पहले क्या चलता था है? सिक्का चलता था, चांदी का सिक्का चलता था, जाहिर बात है वो चांदी थी तो वो समन माना जाता था कि सब चलो इसलो एक चांदी का सिक्का दिया, दो चांदी का सिक्का दिया, मगर जब ये नोट बन के आया ना और सिक्के बंद हुए तो मुफ्तियों का इख्तलाफ हुआ। क्या इख्तलाफ हुआ, बहुत हिंदी की चिंदी करके समझा रहा हूं, क्या इख्तलाफ हुआ कि चांदी तो कीमत मानी जाती थी मगर ये कागज की क्या कीमत है? ठीक है, ओ देवबंदियों ने भी यही फतवा दिया कि नहीं ये करेंसी नहीं है, ये मानी नहीं जाएगी, मगर उस वक्त आला हजरत ने फतवा दिया नहीं ये बाकायदा करेंसी है और उस इसकी हैसियत वही है जो पहले चांदी और सोनों के सिक्कों की हुआ करती थी। उस वक्त उस मर्द कलंदर ने फतवा दिया था, थाना भवन वालों ने नहीं माना था, आज सब मान रहे हैं कि ये करेंसी। बात समझ आ रही है आपको? बहुत सारे ऐसे फतावे हैं जिन पर आला हजरत अली रहमतु व रिजवान की ऐसे दस्तरस है कि जनाबे वाला आप हैरत करेंगे कि कोई इतना भी कस आपको मालूम है 22 घंटे तक जागते, कितने बाज औकात 22 घंटे तक जाग के बाज औकात लिखने लिखाने का काम करते, इल्म सलाहियत का हाल ये है, हाफिज नहीं थे। किसी ने कहा हाफिज साहब, बस ये ख्याल आ गया कि लोग मुझे हाफिज समझते हैं और अहमद रजा हाफिज नहीं है। उन दिनों में रमजान शरीफ करीब था, रमजान आ गया, जब रमजानुल मुबारक आ गया ना आप हैरत करेंगे, रमजानुल मुबारक आ गया असर के बाद कुरान याद करते और तरावी में सुना देते थे एक पारा, ये आला हजरत है असर बाद याद करते और जनाबे वाला इशा में तरावी में सुना देते थे। हालत ये थी, आपने तर्जुमा कंजुल ईमान देखा है ना आला हजरत का तर्जुमा, सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा हजरत आप जो है वो कुरान शरीफ का तर्जुमा लिखिए तकरीर खत्म कर दें, तो फिर आप पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हैं, बेगैरती की भी इंतहा होती है, एक बार मना कर दिया फिर क्यों देख रहे हैं, तुर शरीफ पढ़े आप, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने बात को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाऊं, अर्ज ये कर रहा था आला हजरत अली रहमतुल्लाह व रिजवान की बात, कार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात अर्ज कर रहा था। चला दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज ये कर रहा था बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें यार, फिर आप इधर उधर क्यों देखने लगते हो, मेरी तरफ तवज्जो करें, सबसे इंपॉर्टेंट मैं उस वक्त, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने अर्ज कर रहा था आला हजरत अली रहमतु व रिजवान की जिंदगी पढ़ रहा था, आपको मैं क्या क्या बताऊं, दामने वक्त में गुंजाइश कम है कि आला हजरत का इल्म क्या, इल्म आला हजरत की क्या बात, आज मैंने जुमे की तकरीर में बयान किया कि आला हजरत के इल्मी लेवल का मामला क्या था, अस्माउर रिजाल के इल्म का हाल उनका क्या था, हदीस शरीफ पढ़ी, गरीबों को तो हिंदी का तर्जुमा लेके घूमते फिरते हैं और आला हजरत से मुकाबला करने की बातें करते हैं। हदीस शरीफ के फन में जो अस्माउर रिजाल होते हैं यानी फलाने फलां से सुना, फलाने फलां से सुना, फलाने फलां से सुना, वो फलां कहाँ का रहने वाला था, उसकी उम्र कितनी थी और वो बुढ़ापे में कमजोर कितना हो गया था, उसका हाफिजा कमजोर हुआ था कि नहीं हुआ था, उसकी आंखों का नूर चला गया था कि नहीं चला गया था, उसने रास्ते में खड़े होकर ककड़ी खाई थी कि नहीं खाई थी, ये सारा का सारा आला हजरत के दिमाग में फिट था, ये खुदादाद सलाहियत थी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई ताकत थी, वरना लाइब्रेरी में गए कहा मुझे किताब दो ले जाना चाहता हूँ, कहा हमारे पास एक ही नुस्खा हम दे नहीं सकते, एक ही नुस्खा हम नहीं दे सकते, कहा पढ़ने के लिए तो दे सकते हो, कहा पढ़ने के लिए दे सकते हैं, आला हजरत ने एक बार पढ़ा उसको, पढ़ने के बाद बरेली शरीफ आए वैसी की वैसी किताब लिख दी और लिख के कहा जाओ एक नुस्खा दे दो फला लाइब्रेरी वालों को, कहा लो तुम मुझे नुस्खा नहीं दे सकते थे अहमद रजा तुम्हें एक नुस्खा दे देता है, जनाबे वाला ये 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 इल्मी जहानत थी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम से अल्लाह के दीन की खिदमत और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से बेपना इश्क का नतीजा था। अहले बैत का नाम लेते ही सरे मोहब्बत खम हो जाते, आप देखे ना अंदाज़े शेर क्या है, सैयद साहब कमाल की बात,
किए। लोगों ने मौला अली के बहुत सारे मनाकिब लिखे हैं और कयामत तक लिखे जाएंगे, मगर आला हज़रत ने लिखा मौलाए कायनात की शान ये है कि जब आला हज़रत ये कलाम लिख रहे हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, उसमें एक शेर है मौला अली का। क्या है वो शेर? बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों। इस शेर का तेवर देखें आप, बहरे तस्लीम अली मैदा, कोई योद्धा कोई बहादुर मैदान में आता है, देखें आला हज़रत, अब पूछे आला हज़रत आपने ऐसा क्यों लिखा, वो उन्हीं से पूछे आप। मगर जब कोई भी बहादुर कोई शुजा कोई भी जांबाज मैदान में आता है तो वो तलवार चलाता है, ठीक है, और तलवार चला के तलवार मार कर मकतूल से जीत जाए, यकीनन जंग उसकी और जंग की जीत उसके मुकद्दर की है। मगर आला हज़रत कहते हैं वो और मुजाहिदीन हैं कि जब वो मैदान में आते हैं तो तलवार चला के जीतते हैं। मगर अली की शान बेमिसाली ये है कि अली जब मैदान में आते हैं तो सामने वाले तलवार नहीं चलाते, बल्कि सामने वालों की तलवारें अली को सलामी पेश करने के लिए खुद ब खुद झुक जाए। बहरे तस्लीम अली मैदान में अली को सलाम करने के लिए मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल लोग रिवायत तलाश कर रहे हैं कि मौला अली कौसर पिलाएंगे, कहां लिखा है? आला हजरत लिख गए मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजईन साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। लोग रिवायत आज तक तलाश कर रहे हैं कि हजरत ज़हरा पाक के बाल को कभी खुले आसमान ने नहीं देखा, लिखा कहाँ है? वक्त का मुजद्दिद लिख गया, अरे तुम बाल की बात करते हो, मैं कहता हूँ जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, आंचल न देखा महो मेहर ने। माँ कहते हैं साहब चांद को, चांद ने जिसका आंचल नहीं देखा। आला हज़रत समझ में आएंगे किसी एरू गेरू नत्थू गेरू आला हज़रत बनने की बात करते हैं। सुने क्या कहा शायरी पर अभी तुम्हें चल रहा, अभी तो मैं इल्म की तरफ आया नहीं। मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर शेखुल इस्लाम के वालिद, जिसका बेटा शेखुल इस्लाम उसके बाप का मामला क्या होगा, और वो बाप आला हज़रत का शागिर्द, मुहद्दिस आज़म हिंद आला हज़रत के शागिर्द, अल्लामा मुहद्दिस सूरती के शागिर्द, अल्लामा वसी अहमद साहब के शागिर्द, मुहद्दिस आज़म हिंद खुद मुहद्दिस साहब कहते हैं बहुत सारे मसाइल ऐसे होते थे जब वो सवाल आते तो हम सोचते कि साहब ये तो शायद किसी से सवाल नहीं किया गया और शायद इसका जवाब किसी किताब में ना हो, मगर मुहद्दिस साहब कहते हैं जब हम आला हजरत के पास जाते तो खुदा ने पता नहीं क्या ज़हानत उस बंदे को दी थी। आला हजरत कहते फला किताब को उठाओ, फला पेज पर इसका जवाब लिखा हुआ है, फला जगह इसका जुजिया लिखा हुआ है। जवाब मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कॉपी पूरा जवाब नहीं, पूरा जवाब होता तो ये लोग तलाश कर लेते, ये लोग कम माहिर थे क्या? जिसने बहारे शिगित लिख दी उसको मसला तलाश करने के लिए कौन सी बड़ी बात, मगर पूरा पूरा मसला नहीं होता था किताबों में। अहले इल्म की बात समझते हैं, अहले इल्म जुजिया, एक जुजिया होता है जिससे इशारा मिलता है कि साहब ये चीज सही है ये चीज सही है, तो फला चीज सही है इसलिए फला चीज भी सही है, तो जो है वो मेवर होता है मसले को निकालने का उसका इशारा आलस कहते हैं कि इसका जुजिया फला किताब में लिखा है, आप उस जुजिये से ये साबित कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको? इल्म आला हज़रत की तरफ क्या जाऊँ, इल्म हदीस उनका बेमिसाल है, इल्म फिका उनका बेमिसाल है। बात अरे इल्म फिका की बात सैयद दीदार अली चिश्ती, बात लंबी हो जाएगी, मैं आला हज़रत का अदब बयान कर देता हूँ और गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मैं अक्सर तकरीरों में क्या करता हूँ, आला हज़रत का अदब यह था कि 7 साल की उम्र से आखिर जिंदगी तक कभी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं फैलाया, कभी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं फैलाया। जो हुजूर को अपनी तरह कहते वो हुजूर को समझाएंगे कि, या जो हुजूर के बेटों का इतनी कदर करता वो हुजूर को समझाएगा और हुजूर को पहचानवाने की कोशिश करेगा। आपको समझ में बात आ रही है? आला हज़रत अली रहमान ने उस जिस दौर में लोगों ने कहा कोई कुछ नहीं देता अल्लाह के सिवा किसी से मांगना हराम है, उस दौर में डंके की चोट पे का मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। जिस दौर में लोगों ने किसी ने कहा माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो तो एक हुजूर अलैहिस्सलाम को एलची तक लिखा है नकले कुफ्र कुफ्र नबाशन, आप हैरत करेंगे पुरानी किताबों में इन देवबंदियों की किताबों में लिखा है, अब तो उन्होंने तरदीद तब्दील कर दी का
हुजूर का काम तो एलची का है माजल्ला, जो पोस्टमैन का काम होता है कि अल्लाह से पैगाम लेना और कौम को पहुंचा देना। माजल्ला रब्बिल, ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे, किसी ने लिखा कि वो तो गांव की चौधरी की तरह है, किसी ने लिखा माजल्ला कि वो तो बड़े हैं इसलिए बड़े भाई की तरह अदब करना चाहिए, किसी ने लिखा उनकी हैसियत तो एलची की। माजल्ला रब्बिल आलमीन, तो जनाब जिसका मुकद्दर था उसमें से किसी ने एलची कहा, जिसका मुकद्दर था उसमें से किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर इश्क रिसालत का पैकर है, वो कलम उठा के कुछ कहता नहीं है बल्कि बारगाह रिसालत में सरे तस्लीम को खम करके कहता है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म में मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़ु का सामा करूं शहा, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे, तेरे वस्वाए बेपनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनकी सना खां की खामोशी। चुप हो रहा है कारी बुलशेर साहब, शेर सुने। चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब ये क्या क्या बहुत ज्यादा चीज का हामिल, उधर के ये थे वो थे वो थे, और इधर ये है कि आप कौन सा लफ्ज मिले कि मैं आपको वो भी कहूंगी, क्या क्या कह दूं मैं आपको, क्या क्या कह दूं, सब कुछ तो नहीं कह सकता, क्या क्या कह दूं, बस यही क्या क्या कहकर अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। सब कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं, क्या क्या मैं इससे पहले कि थाना भवन वाले कह दें कि खुदा तो नहीं कह दिया, खुदा तो नहीं कह दिया, माज अल्लाह एतराज कोई करे कि क्या क्या कह दूं, तो माज अल्लाह को खुदा तो नहीं कह दिया, मक्ते में सबकी मिट्टी पलीद कर दी का, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा तो तुम भी मानते हो हम भी मानते, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं, देवबंदी भी कहता है कि हुजूर खालिक के बंदे हैं, सुन्नी भी कहता है हुजूर खालिक के बंदे हैं, इधर वाला भी कहता है हुजूर अल्लाह के बंदे, उधर वाला भी कहता है हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, मगर तुम कहते हो कि हुजूर हमारी तरह अल्लाह के बंदे हैं, मगर अहमद रजा कहता है वो बंदे तो है अल्लाह के मगर अल्लाह की मखलूक के आका भी है, खालिक का बंदा खल्क का आका को, क्या क्या मैं इधर उधर मत ले जाना कि खुदा का नहीं, खुदा का बंदा का, खुदा का बंदा कहा, कोई कहे कि क्या क्या में तो सब कुछ आ जाता है, बे इंतहाजात तो अल्लाह की है, क्लियर करते हो कहा नहीं खालिक का बंदा कहा, और बंदा कहने के बाद फकत बंदा नहीं कहा, फकत बंदा तो जो इस्लाम को नहीं मानता वो भी कहता है कि वो मालिक के बंदे थे, मगर अहले इश्क का मामला ये है कि साहब फकत बंदे नहीं मानते हम तो अल्लाह के सारे बंदों का, सारे बंदों का आका मानते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक एक शेर पर अगर तकरीर की जाए पूरी पूरी रात चली जाएगी, मगर आला हजरत अली रहमतों व रिजवान की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न जाने कौन सा उन्हें इल्म अता फरमाया था, कौन कौन आप देखिए, अब ये कंजुल ईमान हमारे और आपके हाथ में ना, कुरान शरीफ का तर्जुमा सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया, हजरत आप कुरान का तर्जुमा लिखिए, कहा शाह साहब मैं कुरान का तर्जुमा तो लिखूंगा मगर शर्त यह है कि आप उसकी तफसीर लिखेंगे। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से फरमाया आला हज़रत अली रहमान ने, अल्लाह अकबर कबीरा, कहा ठीक है मैं लिख दूंगा आप तर्जुमा लिखें, आला हज़रत के पास इतना वक्त नहीं था कि वो तर्जुमा, 24-24 घंटे में 500-500 फतवे का जवाब लिखने वाला बना, 400-400 फतवे का जवाब लिखने वाले को आला हज़रत कहते, जिनको एक हदीस का सही मतन पढ़ना नहीं आता, एक अरबी की इबारत एक हदीस ना पढ़ पाए वो जो है कंट्रोवर्शियां करते हैं। हाँ मानता हूं कि आला हजरत की जिंदगी को फकत एक रुख से पहचानवाने की कोशिश की गई, अगर जुमला बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, हमारे अवाम के जहन में फकत ये है कि साहब आला हजरत वो जिसने देवबंदियों को रद्द करते काफिर कह दिया, अरे ये भी तो बताओ आला हजरत वो जिसने आखिरी वक्त तक कभी जमात से नमाज तर्क नहीं की, आपको मालूम है जब चल नहीं पाते थे जिस वक्त कैफियत ये थी कि उठ नहीं पाते थे उस वक्त एक सैयदजादे इनकी चौखट पर आए, तशरीफ घर में तशरीफ लाए, घर के बाहर लोगों ने कहा हुजूर गालिबन सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, इतनी बीमारी गालिब है कि उठ नहीं पाते, कहा गया हुजूर फलां सैयद साहब तशरीफ लाए, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान साहब से कहा मुझे उठाओ, कहा कल मिल लीजिएगा, अभी सो जाइए कल मिल लीजिएगा,
अहमद रजा का इश्क गवारा नहीं करता कि जहरा पाक का बेटा उनके घर की दहलीज पे खड़ा रहे और मैं सोता रहूं। दो आदमियों ने पकड़ के उठाया, आला हजरत हल्के से बैठे और उसके बाद सैयदजादे से माजरत करते कि मैं आपके सामने मैंने पैर फैलाए हुए इसलिए माजरत चाहता हूँ। उसके बाद उनकी बात सुनी, उसका जवाब दिया। ये है अदब। जब ऐसी कैफियत थी ना, उस वक्त भी कभी कुर्सी पर आला हजरत को बिठा के और लोग कुर्सी उठा के मस्जिद में ले जाते थे, कभी आला हजरत को अपने कंधों पे उठा के लोग मस्जिद में ले जाते थे और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते। ये भी तो बताओ आला हजरत। आज फकत आला हजरत के नाम पे झगड़े करने वालों को तो जरा सा बताओ कि ये आला हजरत है, ये मसल के आला हजरत है, ये अदब है, ये अमल है, ये जिंदगी है। दाढ़ियों पर 25 तरीके का कट लगा के कहते हमारा वाला नारा नहीं लगाया तो सुननी नहीं है। आला हजरत की जिंदगी का मामला तो पढ़े आप। कोई कहते साहब फला सैयद ज्यादा, ये पूछते नहीं थे कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरवर्दी हो, इधर से हो कि उधर से हो। आज तो हाथ चूमने से पहले भी आदमी चाइना सैयद तो नहीं है, आज चूमू कि ना चूमू। ये हालात हो गए लोगों के, ये हालात हो गए लोगों के, अल्लाह याजुबिल्ला, ये हालात। और वहां हाल ये है कोई साहब आपके आपकी डोली जिसने कंधे पे उठा रखी हो सैयद ज्यादा मारेरा का बेटा नहीं है कि छोछा का शहजादा नहीं है, पता नहीं किस खानदान से ताल्लुक रखता, मगर जहरा पाक का खून रगों में गर्दिश करते। आला हज़रत कहते हैं फकीर हकीर इन सादाते किराम को, अब खुद को इन सादाते किराम के पांव की मिट्टी जानता हूं। इतना बड़ा मुजद्दिद और इतनी इनकिसारी, इतना इल्म कि आज तक लोगों को जो है वो गिनने में जमाना हो गया कि ये भी कौन सा इल्म है, ये कौन सा इल्म है, ये कौन सा इल्म है। लोग हम तो और आप तो कम समझते हैं, लोग जो अपने वक्त के फिलासफर थे, जो अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े महारत बां थे, उन्होंने वहां जाकर जो है वो मसाइल सीखे। बात लंबी हो जाएगी। कबील में रियाजी एक साहब थे, वो तुर्की पढ़ने जाते थे, उन्हीं को सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह लेके गए। आला हजरत ने उन्हें ऐसा मुतमईन किया, उन्होंने कहा साहब मेरे सवाल का जवाब तो तुर्की में मिलेगा। हजरत सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि एक बार अहमद रजा खान से तो मिल लो, बाद में तुर्की चले जाना। आखिरकार ये हुआ कि जब आला हजरत से वो मिले, इधर सवाल किया, इधर वक्त के मुजद्दिद ने जवाब देकर ऐसी तसल्ली दी कि उन्होंने कहा अब तुर्की जाने की जरूरत नहीं, अपना काम बरेली से ही हो जाएगा। अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया था, इतना इल्म अता फरमाया था जनाब। हदीस पढ़ने पर आता तो हदीस शरीफ पढ़ पढ़ के फकत हदीस नहीं पढ़ते, हदीस में जो फलाने फलां से सुना है उनकी तारीफ पढ़ते। मैंने आज जुमे में तकरीर में कहा, अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा दस्तरखान पर बैठकर बैंगन की गुफ्तगू शुरू की। आज दिन की तकरीर रिपीट कर रहा हूँ ये किस्सा, ठीक है। आला हज़रत के दस्तरखान बड़ा वसी था। एक आदत आला हज़रत की और थी, क्या क्या आदतें मैं बताऊं, आप हैरत करेंगे। दस्तरखान पर हम बैठते ना, मोराब लाओ भाई, लाओ गर्म रोटी लाओ, अरे बोटियां निकाल ला यार। पहले कहा जाता है थोड़ा सा यार अलग रखना मेरे लिए अपने लिए, मगर आला हज़रत अली रहमत व रिजवान की आदत ये थी कि वो कभी दस्तरखान पर कोई चीज मांगते नहीं, यूं ही नहीं मांगते थे दस्तरखान के बाद। वजह यह कि मैं अभी रोटी मांग लूं और घर वाले के पास रोटी ना हो तो उस मोमिन की बेइज्जती होगी जो अपने को गवारा नहीं। ये हाल है। इश्क़े रसूल का मामला यह है, इश्क़े रसूल यकीन अल्लाह के रसूल की जात पर यकीन का मामला ये। सुने किस्सा और सुना देता हूं, याद आ गया अभी चलते चलते, इजाजत है सुना दूं कि रहने दूं? आगे वाले कह रहे सुना दो, पीछे वाले कह रहे बस करो। सुने इश्क रिसालत और अल्लाह के रसूल की जात पर यकीन कितना है। एक सैयद साहब तशरीफ लाए, उनके साथ दावत में चले गए, ठीक है। जब दावत में चले गए तो दस्तरखान जब बिछाना तो वो उसका गोश्त रखा गया जो हमारे यहाँ मना किया हुआ है, वो लोगों की अकीदतें जिससे खराब होती हैं, वो गोश्त रखा गया। तो आला हज़रत ने पूरा फतवा दिया है कि बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है और बहुत सी बीमारियों से शिफा है उसमें, मगर फकीर को सूट नहीं करता है। मैं अपना नहीं कह रहा, आला हज़रत ने कहा, आला हज़रत ने कहा कि फकीर को सूट नहीं करता, फकीर को ये सिकंदर साहब रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में लोग 30 सेकंड की निकाल के उसको चलाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं देखो ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बहरहाल चलें, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। आला हज़रत का फकीर को सूट नहीं करता था, मगर सैयद ज्यादा था और सैयद ज्यादा ने कहा खाओ,
या दूसरी सब्जी मंगाऊं, तो कहा हुजूर दूसरी सब्जी मंगाएंगे तो साहिब खाना को तकलीफ होगी और वो लेके आएंगे, इसलिए रहने दीजिए। तो फिर यही खा लो। अलस कहते हैं मुझे सूट तो नहीं करता था मगर खा लिया मैं। जब खा लिया तो कहते हैं जबड़े टाइट हो गए और बुखार की शदीद हालत हो गई, मुंह सूज गया। खुद आला हजरत ने लिखा, इधर उधर की बात नहीं, खुद आला हजरत ने जो लिखा मलफूजात आला हजरत में किस्सा मौजूद है, अभी अभी दिखा दूंगा, मोबाइल में किताबें लेके चलता हूँ। अल्लाह के फजल करम, मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, हवा में बातें करने की आदत नहीं। सुने कहा कि वो जबड़ा सूज गया मेरा, मुझे बुखार की शिद्दत हो गई, उसकी वजह से हालत ये हुई कि मैं किरत करने के लायक नहीं रहा, कुरान पढ़ने के लायक नहीं रहा। तो फिर हजरत नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? ये आला हजरत क्या है? ये इस तस्वीर को भी तो देखें आप। कहते उस वक्त मैं सुन्नत की भी इख्तिदा करता था, उस वक्त इमाम आजम के मसलक का फायदा पता चला। देखिए वहां साजी साहब कमाल देखे आप, मैं आपको और समझा देता हूँ। इमाम शाफई का मसलक ये है कि इमाम खड़ा हो तो उसके पीछे सूरह फातिहा पढ़नी है। इमाम बुखारी भी यही कहते हैं, जैसा कि आजकल के अहले हदीस भी यही कहते हैं, ठीक है। मगर इमाम आजम का मसलक ये है कि इमाम जब मौजूद हो तो फिर सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किरत करने की जरूरत ही नहीं है, तिलावत करने की जरूरत नहीं है, इमाम की किरत उसके लिए किरत। आला हज़रत कहते हैं ये इमाम की किरत उसके लिए किरत है। इसका फायदा मुझे उस वक्त पता चला कि जब मैं किरत नहीं कर पाता था तो सुन्नत छोड़ता नहीं था। उस वक्त भी नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, फर्ज छोड़ना तो दूर की बात है, बुखार की शदीद हालत में भी मैं सुन्नत नहीं छोड़ता था। और सुन्नत में चूंकि सारी किरत खुद करनी है इसलिए मैं सुन्नत में भी किसी को इमाम बना लेता, सुन्नत पढ़ने के लिए भी मैं किसी को इमाम बना लेता, और वो खुद की सुन्नत पढ़ता और मैं भी सुन्नत पढ़ता, तो फिर मुझे किरत करने की जरूरत पेश नहीं आती, इमाम साहब कर लेते तो मैं इस तरीके से मैं सुन्नत अदा करता। ये मेरी हालत हो गई थी, आला हज़रत कहते हैं ये मेरी हालत हो गई थी। मगर एक तबीब को बुलाया गया, उस वक्त ताउन की बीमारी चल रही थी, ताउन की बीमारी, ये मौलिक बीमारी जनाब, जान लेना जानलेवा बीमारी। तो डॉक्टर साहब ने चेक किया, वही है वही है वही है। क्या है डॉक्टर साहब का? ताउन हो गया इनको, अब ताउन हो गया इनको। तो अब हाँ बस अल्लाह खैर करे। आला हज़रत कहते हैं मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बोलूं मगर जबान काम नहीं कर रही, मुंह सूजा हुआ, कैसे कहूं कि ये ताउन नहीं है। कहा हज़रत आपका यकीन कैसे था कि ये ताउन नहीं है? कहा मेरे हुजूर की एक हदीस है। क्या हदीस है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब कोई मरीज की इयादत के लिए जाए और ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मत्तला कभी व फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक तफदीला, हुजूर फरमाते हैं उस दुआ पढ़ने वाले को वो बीमारी नहीं होगी जिस बीमारी को देखकर उसने ये दुआ पढ़ी। तो आला हज़रत कहते मैं एक ताउन वक्त के मरीज से मिलने गया था और मैंने ये दुआ पढ़ ली थी। मुझे डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं, अपने महबूब की बात पर भरोसा है। जब मैंने दुआ पढ़ ली है तो फिर मुझे वो बीमारी नहीं होगी। अब हाल तो ये है ना कि अगर कारी अब्दुल सुबान साहब बता दें कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप पढ़ा करो वकल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीर, वो पढ़ता भी इस हिसाब से वकल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीर, आ तो नहीं रहा कुत्ता। ये तो हालात है कान की, वहां जानलेवा बीमारी है। और कहते मैं कह नहीं पा रहा था, अगर मेरी जबान खुलती तो मैं कहता हकीम साहब ये कोई ताउन नहीं है। आखिरकार कई दिन गुजर गए और मैं उसी कैफियत में रहा। और मैंने एक दिन, लोगों ने कहा ताउन हो गया हजरत को, अब तो अल्लाह ही खैर करे ताउन हो गया। एक दिन मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के रब से, अपने रब से लौ लगाई और कहा अल्लाहुम्मा सद्दिकिल हबीब वकज़िबित तबीब, ए अल्लाह महबूब को सच्चा महबूब की तस्दीक कर दे और डॉक्टर को झुटला दे। आला हज़रत ने दुआ की, डॉक्टर ने कहा ताउन है उसको झुटला दे, और हुजूर ने कहा है कि जो दुआ पढ़ लेगा उसको बीमारी नहीं होगी। हुजूर के इस फरमान की मौला तस्दीक कर दे, अल्लाहुम्मा सद्दिकिल हबीबा वकज़िबित तबीबा। कहते मैंने दुआ पढ़ी, कुछ लम्हे गुजरे थे कि कान में किसी ने कहा मिसवाक काली मिर्च, फिर मिसवाक मैंने ली, उस पर पिसी हुई काली मिर्च लगाई और लगा के मैंने धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर उस मिसवाक को डालकर काली मिर्च उसके जरिए पहुंचाने की कोशिश की और अपने दांतों पर मिसवाक लगाता रहा। धीरे 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 करके करते मेरा सारा जो है वो दर्द दूर हो गया और सारी चीज जो बीमारी थी वो सब खत्म हो गई। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने लोगों से कहा कौन है तुम्हारे डॉक्टर साहब से, तेरा ताउन तेरे पास वापस चला गया।
मेरे महबूब के फरमान को, मेरे महबूब का फरमान सच्चा हो गया। ये अल्लाह के रसूल की जात पर यकीन है कि जनाबे वाला डूबती हुई कश्ती को भी देख कर कहते आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। ये आला हजरत है, इश्क का दर्द जिस चौखट से मिलता है। किसी ने मुहद्दिस सूरती से कहा था, तुम भी बहुत बड़े मुहद्दिस हो मगर आला हजरत से इतना इश्क क्यों करते हो? तो मुहद्दिस सूरती ने कहा था इसलिए कि उन्हें इश्क रसूल के जाम उन्होंने पिलाए, इसलिए उनसे इश्क करता हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात लंबी हो जाएगी, मैं तो भूल गया कि मैं किस्सा क्या सुना रहा था आला हजरत का, मगर इतना याद रखें कि उनकी जिंदगी का तकवा बेमिसाल है, उनकी जिंदगी में इल्म भी बेमिसाल। 500 फतवे के जवाब लिखना, बात कंजुल ईमान की चल रही थी कुरान शरीफ का तर्जमा लिखने की, सदरुल अफाजिल ने कहा ठीक है मैं तफसीर लिख दूंगा। आपको मालूम है सुबह से लेकर शाम तक मसरूफ रहने वाला शख्स, ऐसा मसरूफ रहने वाला, ऐसा मसरूफ रहने वाला, न जाने कितनी किताब लिख दिया, तक लोग गिन नहीं पाए किताबें कितनी। सुने छोटे मोटे रसायल, कुछ खयानतें भी की गई, गायब भी कर दी गई, लंबी तफसील दास्तान उस तरफ में नहीं जाता, मगर बताना फकत इतना है, बताना हाँ ये सच्ची बात बता रहा हूँ। आला हज़रत अली रहमतु व रिजवान ने एक कलाम लिखा, उस कलाम का उस किताब आला हज़रत की किताब में सही सोहेल साहब एक मिसरा, कोई अली जैसा हो, कोई अली जैसा हो तो लेके आओ, ऐसा मिलता जुलता कोई मिसरा है, ठीक है। और ये मिसरा का ये मौला अली की शान में आला हज़रत का कलाम है, और उसके बाद उसके नीचे किताब का तर्जुमा करने वाला लिखता है, किताब तो आला हज़रत की है मगर जिसने जमा किया है तर्जुमा, जिसने छपवाया उसने नीचे लिखा का इसके आगे का कलाम गायब है। तो बहरहाल मतलब क्या है, मतलब क्या है कि कुछ किताबें कुछ इबारतें आला हज़रत अली रहमतुल्लाह व रिज़वान ज़ाय भी हो गई, जो लोगों तक पहुंच नहीं पाई, कलम से लिखने वाले, वो प्रिंटिंग प्रेस का दौर तो इतना ज्यादा नहीं था कि किताबें छप जाएं, कलमी नुस्खे मौजूद थे। बहरहाल बात को फकत इतना कह के खत्म करता हूँ कि वो जनाबे वाला बेमिसल बेमिसाल आशिक रसूल थे, आशिक पंजतन थे, आशिक अहल बैत अतहार थे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम से इश्क करते थे, कहते थे कि हम औलाद रसूल, मैं अपने आप को औलाद रसूल के पाँव की खाक जानता हूँ, और फकत पाँव की खाक नहीं जानता, फकीर अहमद रजा इन सैयदों को क़यामत के मैदान में जरिया शफात और नजात जानता है। ये आला हज़रत अली रहमतु व रिजवान के जुमले हैं, मगर जनाब इतना इल्म इतना फन रखने के बावजूद भी, वो बैगन वाली रिवायत में फिर कभी पढ़ूंगा, इतना इल्म फन रखने के बावजूद भी बारगाह रिसालत माँ बरी सलातु व तस्लीम में अर्ज करते हैं माँ हे मदीना अपनी तजल्ली अदा करे। मतलब वो यूं उस कादरी ने पढ़ा, सैयद अब्दुल कादरी साहब ने पढ़ा, आपने सुन लिया, सुभान अल्लाह, हमें कभी समझा करो कि शायर कहना क्या चाहता है। माहे मदीना यानी हुजूर अपनी तजल्ली अता करे, वो मदीने वाली सरकार अपनी रोशनी दे, वरना जो चांदनी और जो रोशनी मेरे पास है ये तो पैर दो पैर में ढल जाएगी, मगर हुजूर नमाज देंगे तो यहाँ भी कामयाबी रहेगी, वहां भी कामयाबी रहेगी। तो कहा माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, पहर दोपहर वाली चांदनी नहीं चाहिए बल्कि मुस्तफा मदीने वाले की तजल्ली चाहिए। आज देखिए 101 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, मगर आला हजरत लोगों के दिलों में अपने अशआर से जिंदा हैं, अपने फतवों से जिंदा हैं, अपने किरदार से जिंदा हैं, अपनी गुफ्तार से जिंदा हैं, अपने अंदाजे जिंदगी से जिंदा हैं, और जनाबे वाला इसलिए जिंदा हैं क्योंकि जिंदगी भर कहते रहे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले इन तमाम चीजों को, इन तमाम उलूम को, इन तमाम फुनून को, इन तमाम तक्वाशियारी और परहेजगारी को रखने के बावजूद भी बारगाहे गौसियत में हाजिर होकर इनकसारी के साथ कैसे तुझ से दर से सक। अल्लाह हज़रत ने खुद को गौस पाक का कुत्ता भी नहीं कहा, शहंशाह बगदाद की बारगाह में कहा, शहंशाह बगदाद आपके दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा रहता है मैं वो कुत्ता नहीं हूं, मगर उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। तुझ से दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, डायरेक्ट दर मिल जाए तो कहना क्या, तुझ से दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मगर फख्र ये है कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इतना इल्म होने के बावजूद इतनी इनकसारी है,
कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दीन की हिफाजत में सारी जिंदगी गुजार के भी हर आन हर लम्हा हुजूर की नौकरी करने का तसव्वुर, हुजूर के खानदान की नौकरी करने का, हुजूर के दीन की हिफाजत करने का तसव्वुर जिसकी जिंदगी में था वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान की जात थी। हर अल्लाह वाले के बारे में यूं समझ लीजिए, कुरान ने कहा मन अमल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था फहुवा मुमिनुन, जो भी नेक अमल करे चाहे वो मर्द हो या औरत हो और उसकी इस हाल में कि वो मोमिन हो, अल्लाह फरमाता है हम उसे तैयब जिंदगी अता करते हैं। अगर जिंदगी अच्छी चाहिए, कब्र की जिंदगी चाहिए, हश्र की जिंदगी चाहिए, ईमान की सलामती के साथ अच्छे आमाल करें, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अल्लाह पाक आला हज़रत के इश्क़ रसूल का सदका हमें और आपको अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, जिन नौजवानों ने इस महफिल को सजाया तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। परसों इंशाअल्लाह इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दी वाले सलाम सरकार मौला अली की आंखों के तारे सैयदुश्शोहदा बिरादर इमाम हुसैन कौन इमाम हसन जिसकी शान बेमिसल बेमिसाल इंशाअल्लाह परसों शरीफ चौक लाइकान में फकीर इस पर गुफ्तगू करेगा। गुफ्तगू तो करने की हैसियत नहीं, बस अपनी आखिरत के लिए कुछ तोशा बनाने के लिए इमाम हसन पाक का जिक्र करेगा। आप हजरात कसीर तादाद में तशरीफ लाएं, सैयद सुहेल साहब क़िबला भी तशरीफ रखेंगे, सैयद अब्दुल कादिर साहब को कहीं तशरीफ ले जाना है, मसरूफ शख्सियत है, दो यहाँ दूसरे कई मुल्कों में इनके रबते हैं तो इसलिए जो है वो मसरूफ शख्सियत ये तो तशरीफ ले जाएंगी। अलबत्त ये है कि फिरोज हशमती साहब और मोहम्मद शरीफ बासनी साहब तशरीफ लाएंगे, सैयद सुहेल कादरी साहब की निजामत होगी, फकीर भी हाजिर होगा, इंशाल्लाह आप भी तशरीफ लाएं। इमाम हसन पाक का अहले बैत पाक का तस्करा किया जाएगा, इमाम हसन का उर्स मनाया जाएगा। अल्लाह पाक हमारी और आपकी हाजिरी अहले बैत की नौकरी अपने दरबार में अपने दरबार बेनियाज में कबूल फरमाए। जिन नौजवानों ने इस महफिल आला हज़रत को सजाया अल्लाह पाक उन्हें आला हज़रत के फैजान से माला माल फरमाए। सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे तुम्हारी सना मुझ गरीब से। फ़ाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।